नमो नमः। सुप्रभातम, मैं राजेश कुमार। आज फिर से कक्षा के तिथि दिवस पर प्रथम अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, कल हमारे द्वारा प्रथम अध्याय के तीनों श्लोकों को पढ़ा गया। आशा है कि पढ़े गए श्लोकों का आपने अच्छे से स्मरण कर लिया होगा और उन्हें अपनी कॉपियों पर लिख लिया होगा। तो बच्चों, आज हम प्रथम अध्याय के अभ्यास के विषय में पढ़ेंगे। अभ्यास को पढ़ने के लिए आप अपने पुस्तक के पेज नंबर 3 को निकालें। तो यहाँ अभ्यास लिखा गया है। अभ्यास, अभ्यास के नीचे पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायेत। सभी श्लोकों को स्वर सहित गाएं। गायन किस प्रकार करना है ये आपको पूर्व की कक्षाओं में बता दिया गया था। तो उसी का अनुसरण करते हुए आप इन सभी श्लोकों को क्या करें, गाएं। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, यथा योग्यम श्लोकांशान् मेलयेत। यथा योग्य, श्लोकों के अंशों को मिलाएं, अर्थात जिस प्रकार से ये श्लोकों की जो पंक्तियां दी गई हैं इनको यथा योग्य जो सही है उसी पंक्ति के साथ मिलाएं। आप चिन्ह से भी इसको अंकित कर सकते हैं या यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर करके भी आप इनको बता सकते हैं। तो धन धान्य प्रयोगेशु, ये कहाँ, जो जो हमारा श्लोक था धन धान्य प्रयोगेशु, तो उससे आगे लाइन थी विद्याया संग्रहेशु च। तो आप, हम इसे समझने के लिए अपनी रफ कॉपी का प्रयोग करेंगे। आप पुस्तक के ऊपर भी कर सकते हैं, परंतु पुस्तक पर कोई भी पेन के साथ चिन्ह नहीं लगाएगा, सभी पेंसिल का प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ देखिए, धन धान्य प्रयोगेशु, तो इसका आंसर क्या है, विद्याया संग्रहेशु च। तो ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से कर दिया इसका सही आंसर। अब उसके बाद विस्मयो ना ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, ये सभी श्लोकों के अंश हैं कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में। अब दूसरी लाइन का मतलब था विस्मयो ना ही कर्तव्य, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये आपके श्लोकों के अंश हैं। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। फिर उसके बाद सद्भिर विवाद मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। तदुपरांत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आइए अब हम इसको श्लोकों में ढूंढते हैं कहाँ है। देखिए, पहली लाइन थी हमारी धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च। तो हमने यहाँ पे क्या किया, विद्याया संग्रहेशु, जो जो प्रथम पंक्ति थी उसको इसके साथ मिला दिया। और दूसरा था विस्मयो ना ही कर्तव्यो, विस्मयो ना ही कर्तव्यो, तो उससे आगे था बहुरत्ना वसुंधरा, तो हमने इसके बाद इसे इस पंक्ति के साथ मिला दिया। अब उसके बाद था सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सत्येन धारते पृथ्वी कहेंगे, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। उसके बाद सद्भिः विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। सद्भिः विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। और उसके बाद आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इस प्रकार से ये इसके उत्तर हो गए। अब हमारा अग्रिम पेज को आप निकालें। अग्रिम पृष्ठ पर है प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरतः। यहाँ देखिए, एक पदेन उत्तरतः, एक पदेन अर्थात एक पद से, पद होता है शब्द, एक शब्द से उत्तरतः उत्तर दीजिए। तो कहता है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो पृथ्वी पर कितने रत्न थे, 3। तो हम इसे भी इस कति के स्थान पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3। 3 है बहुवचन में, इसलिए हम यहाँ पे आप त्रीणी इस शब्द का यूज करेंगे, क्योंकि आपकी पुस्तक में
श्लोक में यहाँ आया था पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, पृथिव्याम कति रत्नानी, पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी। आप इस शब्द के स्थान पर यहाँ पे आप त्रीणी लिखेंगे। अब उसके बाद मूढ़ ही कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कुत्र कहाँ रत्न संज्ञा, जिसको आप संज्ञा कहते हैं, वैसे संज्ञा होता है, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम दिया जाता है, मूर्खों के द्वारा कहाँ दिया जाता है, तो यहाँ आंसर है मूढ़ ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे पाषाण खंडेशु, क्या लिखेंगे, पाषाण खंडेशु, जो आपकी पुस्तक में प्रथम श्लोक की द्वितीय पंक्ति में दिया गया है। अब उसके बाद पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है, तो किससे की जाती है, केन की जगह क्या आएगा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते, तो यहाँ पर आंसर आएगा पृथ्वी सत्येन धार्यते, इस केन की जगह ऊपर कुत्र की जगह ये आंसर है। ठीक है जी, आपने एक ही शब्द में आंसर करना है, जब भी आपको परीक्षा में भी अगर पूछा जाए, अगर वहाँ ऊपर लिखा हो एक शब्द एक पदेन उत्तरता या एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो आपने इस प्रकार त्रीणी पृथ्वी कति रत्नानि उसका एक शब्द में उत्तर कर दिया, त्रीणी मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेशु, पृथ्वी केन धार्यते सत्येन। अब उसके बाद केहि संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति, संगति अर्थात साथ करना चाहिए, कुर्वीत का अर्थ होता है करना चाहिए, तो किसके साथ करना चाहिए, आपके श्लोक नंबर 4 पे चतुर्थ पे लिखा था कि सद्भि कुर्वीत संगतिम, तो यहाँ पे केही की जगह क्या आएगा, इस केही की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सद्भि, क्या आएगा सद्भि, सद्भि संगतिम कुर्वीत, सद्भि संगतिम कुर्वीर, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृता का, लोके वशीकृता, लोके वशीकृति कहा, ठीक है, तो यहाँ क्या है लोके वशीकृति का, तो लोके वशीकृति का क्षमा, क्षमा क्या, माफ करना, माफी, तो इसका आंसर आएगा क्षमा। लोके संसार में वशी कृति वशीकरण का क्या है, तो क्षमा, दया करना, माफ करना संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। इस प्रकार से ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब इसके अग्रिम प्रश्न को देखिए, यहाँ आपके प्रश्न नंबर चतुर्थ पे लिखा है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें, तो कहता है रेखांकित जितने भी रेखांकित शब्द दिए गए हैं इनके आधार पर आपने प्रश्न निर्माण करना है। तो जिस प्रकार मैंने यहाँ पर बताया है, अब रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत सत्येन वाति वायुश्च, अब हाँ यहाँ जिस शब्द के ऊपर प्रश्न निर्माण किया गया है उसी शब्द के नीचे आपने प्रश्न निर्माण करना है, तो ये प्रश्न निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें किम शब्द याद होना चाहिए, किम जो शब्द रूप है ये तीन लिंगों में चलता है, इन तीनों लिंगों को आपने याद करना है। कल के लिए आप पुलिंग में किम शब्द याद करेंगे जो मैं आपको लिखकर आपके होमवर्क में दे दूंगा। तो सत्येन वाति वायुः, जिसके बाद आपको ये पता लगेगा कि इस किम शब्द का इस यहाँ पर किस प्रकार प्रयोग किया गया। अभी के लिए आप सीधा आंसर देखिए सत्येन वाति वायुः, सत्येन वाति वायुः, सत्य के द्वारा वायु बहती है, तो सत्येन, सत्य की जगह के सत्येन की जगह आएगा यहाँ पे केन। उसके बाद सद्भि एव साहसीतः, सद्भि एव साहसीतः, किसके साथ ही रहना चाहिए, तो किसके साथ रहना चाहिए, तो इसकी जगह
जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो इसका यहाँ बनेगा केही। इस केही का यहाँ मीनिंग है किसके किसके साथ, एव साहसित, सह यहाँ से ले लिया, सदभी सह एव आसीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। तो कही किसके साथ, किसके साथ। अब वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है। तो वसुंधरा, इस वसुंधरा के यहाँ स्थान पर, यहाँ पर आएगा का, क्या आएगा का। और विद्याया संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, तो यहाँ आप इस विद्या के स्थान पर प्रश्न, विद्याया के स्थान पर आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ पर बनेगा कस्यः, क्या बनेगा कस्यः। सद्भि मैत्रीं कुर्वीत, अब सद्भि मैत्रीं, मैत्रीं के क्या करेंगे, सद सज्जनों के साथ, मैत्रीं कुर्वीत सज्जनों के साथ क्या करें, सज्जनों के साथ क्या करें, मित्रता करें। तो सद्भी सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो ये आपके प्रश्न हो गए। आज के लिए बस इतना ही, आप इन प्रश्नों का स्मरण करें और इन्हें अच्छे प्रकार से समझें। जिस भी प्रश्न का आपको पता ना चले या उसे समझने में कोई कठिनाई हो तो आप नंबर, इस नंबर के माध्यम से दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।